हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मफलर का डिज़ाइन, और किस तरह से हमने ये मफलर बनाया है, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई और कैसे बनाया है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस मफलर को बनाने के लिए मैंने पट्टियों का यूज़ किया है। ये पट्टियाँ मैंने बनाई हैं इसकी अलग अलग, ये अलग पट्टी है और ये अलग पट्टी है। इसकी पट्टी बनाने के बाद इसे जोड़ना होता है, ये बहुत ही आसानी से जुड़ जाता है और ही इसकी पट्टियाँ बनानी भी बहुत आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पट्टियाँ मैंने चौड़ाई के लिए जो पट्टियाँ मैंने ली हैं, वो चौड़ाई के लिए मेरी पट्टियाँ 7 हैं। 3 मैंने एक कलर की ली हैं और 4 मैंने एक कलर की। तो फ्रेंड्स, जो भी हम पट्टियाँ बनाते हैं उसमें हमें एक पट्टी ज़्यादा बनानी होती है, एक कलर ज़्यादा और एक कम। तो देखिए, क्योंकि 3 पट्टियाँ बीच में आ जाएंगी और 4 पट्टियाँ हमारी आसपास होंगी, तो ये इसमें मेरी टोटल 7 पट्टियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो चौड़ाई है, मैंने वैसे इसमें 7 पट्टियाँ हैं, लेकिन अगर चौड़ाई नापोगे तो आप, ये चौड़ाई मेरी 13 इंच है। तो 13 इंच का ये चौड़ा मेरा मफलर है। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ मैंने रखी है, आप अपने अनुसार लेंथ रख सकते हैं। मैंने जो इसकी लेंथ रखी है, मेरी 75 इंच है, और आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लंबाई का अपनी मर्जी होती है, कुछ लोग ज़्यादा लंबा मफलर लेना पसंद करते हैं, कुछ कम। तो मैंने जो है ये इस पर्पज़ से बनाया है कि कभी अगर हमारा मन करे तो साइड में भी ले सकते हैं, और अगर मफलर के लिए यूज़ करना है तो इसे मफलर की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो स्टार्टिंग है हम किस तरह से करते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है, मफलर में बहुत सुंदर लगता है। देखिए, इसको बनाने के लिए हमें पहले ये सर्कल बनाना होता है, और सर्कल से ही हमारी पट्टियाँ तैयार होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि एक साइड तो ये सर्कल खुद ही बन जाता है, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग यहीं से ही होती है, और दूसरे सर्कल हमें अलग से बना के, जब हमारी डिज़ाइन की एंड होती है तो दूसरे सर्कल बना के हमें यहाँ से अटैच करने होते हैं। और आपकी मर्जी है, आप इसे, इसके जो ये टसल्स हैं, क्रोशिए से भी लगा सकते हैं। मैंने अपनी कुछ पुरानी वीडियो में टसल्स, क्रोशिए से हम कैसे टसल्स लगा सकते हैं, वो सिखाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और आप इस तरीके से भी टसल्स लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो चौड़ाई और लंबाई मैंने बता दी है, इसकी चौड़ाई 13 इंच है और लंबाई मैंने 75 इंच रखी है। तो इसमें मेरी 7 पट्टियाँ लगी हैं, आप अपने अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसका हिसाब यही होता है कि अगर आप चौड़ाई नापना चाहते हैं तो चौड़ाई में ये हमारा टोटल जो है यहाँ से 2.5 इंच बनता है ये वाला, तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका डिज़ाइन देखने के लिए आपको मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने शॉल की वीडियो, बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन है उसमें, वो आप देख सकते हैं, जो मैंने शॉल की वीडियो बनाई हुई है। शॉल भी मैंने बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाया हुआ है, तो और उसमें मैंने डिज़ाइन भी सिखाया हुआ है बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से इसका डिज़ाइन डाल दूँगी, वैसे मैंने इसका डिज़ाइन बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो आप इसी तरह से शॉल भी बना सकते हैं और स्टॉल भी बना सकते हैं, और इसका हम मफलर भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन से। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन और कैसा लगा मफलर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर हम और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ये मेरा जो डिज़ाइन है, ये क्रोशिए से बहुत ही आसानी से बन जाता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।